हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत से मौजूआत हैं, अहम मौजूआत हैं इस्लामाबाद के अंदर, टेक्नोक्रेट्स के गवर्नमेंट्स की और नेशनल गवर्नमेंट की और बहुत सारी और गवर्नमेंट्स की बाजगश्त है। खुद वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट्स की कोई आइनी हैसियत नहीं है। एहसन इकबाल साहब के ट्वीट्स हैं, उनकी तरफ से जो बातें आ रही हैं कि क्या 2020 में क्या होगा और सिस्टम को डीरेल होने की बातें, ये क्या हो रहा है? और फिर कल लंदन में बहुत अहम फैसले हुए हैं जिसमें कि अदम टकराव मियां साहब का वो लीडर भी रहेंगे, पार्टी भी चलाएंगे, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म भी नामजद कर दिया गया है। क्या हो रहा है? क्या मियां साहब वापस आ रहे हैं? जो कि आ रहे हैं तो जेल जाने को भी तैयार होंगे। फिर पाकिस्तान की सियासत का नक्शा क्या होगा? हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जिनको कि ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन लीडर तो वह हैं ही, लेकिन हुकूमत की भी बहुत सी खबरें हैं। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कम लोग इतने जीरक हैं जितने के खुर्शीद शाह साहब हैं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ कौमी असम्बली में हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। शाह जी, ये जो आप देख रहे हैं डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पहले तो मैं आपको लंदन ले जाऊँगी, जो वहाँ पर मुलाकातें हुई हैं। कहा जा रहा है एक नया लंदन प्लान बना है, पहले तो कादरी साहब वाले था और खान साहब वाले, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये भी एक लंदन प्लान है जिसमें कि अहम फैसले हुए हैं। शहबाज शरीफ को बना दिया गया, ऑलमोस्ट कह दिया गया कि वो वज़ीर आज़म होंगे। कैसे देखते हैं आप इन फैसलों को? ये सर्वाइवल और बका की नून लीग की आखिरी जंग है आपके ख्याल में? पहले तो शुक्रिया कि बगैर किराए के आप मुझे लंदन लेके जा रहे हैं। जी देखें, ये पोलिटिकल पार्टीज का एक तरीका तो ये ठीक है कि डायलॉग होता है और उसमें देखा जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनका राइट है कि आपस में बैठें, जो मिसअंडरस्टैंडिंग उनके अंदर है उसको हल करें, ये उनका राइट है। और वज़ीर आज़म किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं, और आज डिक्लेयर भी किया है, तो मैं समझता हूँ कि उनको बात समझ में आई है कि लड़ाई से गालम गलोच से कोई सियासत नहीं होती। जो पहले मैं उनसे कहता था कि आप जो सियासत करें वो पार्लियामेंट की सियासत करें, अदारों से टकराव ना करें, अदारों से टकराव से नुकसान सबसे बड़ा ज़्यादा हुकूमत को होगा, वो बात उनको समझ में नहीं आती थी। अगर बात आज उनको समझ में आ गई है, देर नहीं हो, अच्छी बात है। देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, पर देर के बाद भी अगर उनको बात समझ में आई है, हो सकता है कोई आगे इस सिस्टम के लिए जमहूरियत के लिए अच्छा हो। क्योंकि मैं तो ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ, हर डेमोक्रेटिक ये समझता है कि पाकिस्तान की जो सर्वाइवल है या पाकिस्तान की जो बका है या पाकिस्तान की मौशियत की बेहतरी है वो डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है। भी कहा जा रहा था ना कि मरियम बीबी को और मियां साहब को चुप कराया जाए पार्टी में से, मफाहमत इसको कहते हैं कि मुजाहमत छोड़ी जाए। आपको लगता है कि दोनों को चुप कराया जा सकेगा? और अगर चुप हो गए तो उनका क्या नैरेटिव होगा, क्या बयानिया वो लोगों के सामने लेके जाएंगे? नवाज शरीफ इस वक्त तक तो जिस तरीके से भी रॉन्ग और राइट किस तरीके से भी वो पार्टी के सदर हैं, और वो अगर चुप हो गए तो उसकी सियासत तो फिर ख़त्म हो गई। फिर तो मैं नहीं समझता कि वो सियासत है, उसको तो किसी न किसी सूरत में इन रहना पड़ेगा पॉलिटिक्स में। और जहाँ तक उसकी बेटी है, वो भी पॉलिटिक्स में इन हो चुकी है, अब उसका चुप होना भी बड़ा मुश्किल नज़र आता है। बातचीत तो करती रहेगी, वो बातचीत नहीं करती रहेगी तो अल्लाह मीडिया को ज़िंदगी दे, उसको तरक्की दे, वो उससे कहीं ना कहीं बुलवा लेगी। और ये आपको लगता है कि अगर वो कैसे चुप हो सकते हैं? पहले तो आप खुद ही आप कह रहे हैं कि उनकी तो सियासत ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ये किस किस्म का एनआरओ है कि जिसमें बगैर वो चुप किए पार्टी संभाले हुए वो चलेंगे? और फिर झगड़ा क्या है मियां साहब से? ये एनआरओ है या नहीं है मुझे पता नहीं है इस चीज़ का कि एनआरओ है या नहीं है, मगर ये एनआरओ भी ऐसा ही होगा फिर जैसे आप 10 साल के लिए पाकिस्तान से चले जाएं और सियासत न करें, चुप रहे, तो ये फिर उस किस्म का एनआरओ हो सकता है कि मियां साहब रहें भी और फिर इनकी पार्टी भी चल नहीं सकती। और अगर वो वापस आते हैं, वापस आते हैं, खामोश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं चुप करके और सिर्फ पार्टी में चलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करते,
तो फिर ये भी मैंने कहा ना वैसे ही होगा माजी की तरह के 10 साल के लिए आप पाकिस्तान छोड़ जाएं और चुप रहे, सियासत में हिस्सा ना लें। और वापस आके अगर मुकदमात को फेस करते हैं और अगर वो जेल में बैठ जाते हैं तो क्या होगा? तो उनको और क्या चाहिए, उनकी सियासत मतलब मियां साहब तैयार हैं उसके लिए। और फिर वो सियासत तो ठीक हो जाएगी, मजामत फिर करनी पड़ेगी। अगर जेल में जाके उसको सजा को एक्सेप्ट करके बैठ जाएंगे तो फिर सियासत ख़त्म हो जाएगी। जेल में जाके मदहमत करना शुरू कर देते हैं, अगर मियाँ साहब जेल में चले गए तो फिर एनआरओ का तो कोई मसला ही ख़त्म हो गया ना। Exactly. फिर हर चीज़ का ख़त्म हो गया मसला, तो फिर तो कोई वफामत नहीं है, फिर कोई एनआरओ नहीं है, फिर तो लड़ाई शुरू हो गई ना। इसका तो मतलब ये हुआ शाहजी के वो उनका वापस आना, उनका मुकदमात को फेस करना और वहाँ पे स्टेटमेंट ये देना कि -1 फार्मूला काबिले कबूल नहीं, तो फिर तो कोई बात नहीं मानी गई अगर कोई बात मनवा रहा है। वही आपसे कह रहा हूँ ना कि जो आप एनआरओ की बात कर रही हैं कि इनका एनआरओ होगा और वो चुप हो के आके बैठ जाएगा, मरियम बात नहीं करेगी, तो फिर वो एनआरओ तो नहीं हुआ ना, वो तो उनको खामोश करने के लिए एक बात होगी। और मियाँ साहब को जब जेल में डाल दिया तो फिर तो ख़त्म होगी बात, फिर अगर ये खामोश हो जाते हैं फिर तो जीरो हो गए। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है मियाँ साहब के ऊपर, बहुत सारे लोग कहते हैं तीसरा फरीक नहीं है, लेकिन नज़र आ रहा है कि कोई तीसरा फरीक भी है जो कि प्रेशराइज कर रहा है, वो कौन सा हो सकता है? जो भी मियाँ साहब को ये सोच के ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप चुप हो जाए, कुछ ना बोले और केसेस को भी फेस करें और केसेस पे भी आप जो फैसला हो उसको अनमन तन कबूल कर ले, जेल हो तो जेल को भी कबूल कर ले, मैं समझता हूँ ये फिर उनके दोस्त नहीं है। तो बड़ा क्या फैसला? अच्छा, मतलब ये उनके दोस्त नहीं जो कह रहे हैं कि आप जेल भी चले जाएं, सब कुछ कर ले, वो हैं जो कहेंगे कि आप बाहर रहें, बाहर करके बैठ जाएं 10 साल के लिए साइड पे हो जाएं। नहीं, ये भी नहीं है, बाहर रहें और जहाँ भी रहें जो सियासत है उनकी, जो स्टैंड है उनको जिंदा रखें, बाहर रहते हैं तो बाहर रह के। कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब बाहर रही थी, लेकिन सब वो जमाना और था, अब तो मीडिया ऐसे वो तो रोज ताने मारेगा मीडिया कि आप बाहर बैठे हैं। तो बाहर से वैसे अल्ताफ हुसैन की बात हो रही है कि टेलीफोन पे किताब और वहाँ पे मुलाकातें, तो फिर तो क्या होगा? वो तो जिंदा रहा ना, जिंदा रहा, वो तो तब मर गया जब उससे पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को चैलेंज कर दिया। और पाकिस्तान की सॉवरेंटी को जब चैलेंज करेगा तो वो जिंदा तो नहीं रह सकता, फिर सियासत में नहीं रह सकता। तो आपका ये मशवरा है कि मियां साहब चुप? नहीं, मेरा मशवरा नहीं है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है और राय है कि आप साइड पे हो जाए 10 साल के लिए और चुपके से। अच्छा, ये मैंने अपनी राय दी है। ठीक सर, मैं जानना चाह रही हूँ कि मतलब आप सियासत जो इस वक्त की है, जो जिस हाइप पे ये गए हैं और इस हद तक पहुंचे हैं, अब उसके बाद इमीडिएटली खामोश होकर बैठ के सजा को एक्सेप्ट करना, फिर सियासत क्या हुई? मुजामत करनी पड़ेगी। आप देखें ना, पीपल्स पार्टी ने जब ये सियासत की थी, जब भुट्टो शहीद जेल में गए थे और भुट्टो साहब को उन लोगों ने बड़ी ऑफरें दी थी, तो भुट्टो साहब ने नहीं मानी थी, भुट्टो साहब ने जेल से भी सियासत की और पीपल्स पार्टी ने भी सियासत की और भुट्टो साहब के बाद भी सियासत रही, लड़ाई रही, MRD बनी, आखिर तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई रही हमारी। हमने 10-11 साल जो है इस लड़ाई को फेस किया, उसके बाद हम फिर आए। तो नवाज शरीफ साहब भुट्टो बन सकते हैं? बनने के लिए सियासतदान भुट्टो, सियासतदान बनने के लिए भुट्टो बनना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। शाहजी, जो भी हम बात कर रहे थे टेक्नोक्रेट्स की, अगर ये सब नहीं होता, वो मुजामत करते हैं, वो पाकिस्तान में आ जाते हैं, वो जेल जाते हैं, तो फिर सिस्टम को भी कोई खतरा लाग? देखें आसमा, आप इसको काफ़ी अरसे से इसको देख रही है, 20-22 साल से तो आप इसमें इन है खुद, इसमें बहुत सी चीज़ें आपने खुद देखी हैं। इस मुल्क का हाल टेक्नोक्रेट नहीं है, इस मुल्क का हाल सिर्फ जमहूरियत पे है। टेक्नोक्रेट के तजुर्बे आप 40 साल तो कर चुके हैं और इसके अलावा भी कर चुके हैं कि कोई हुकूमत थी 18 महीने, कोई 30 महीने, टेक्नोक्रेट ही चलाते थे। 18 आपको याद होगा कि जब हमारी हुकूमत पहले आई थी तो टेक्नोक्रेट हमें दिए गए थे 3-4 के, इनको साथ रखो, ये जहेज में आपको दिए हैं, मगर 18 महीने से ज़्यादा चले नहीं दिया। उसके बाद टेक्नोक्रेट मुइन कुरैशी को भी ले आए, क्या किया? उसके बाद टेक्नोक्रेट शौकत अजीज़ को भी ले आए, क्या किया? और उसके बाद ज़ियाउल्लाह के ज़माने में टेक्नोक्रेट आए, अयूब खान के ज़माने में टेक्नोक्रेट आए, यहिया के ज़माने में टेक्नोक्रेट आए, मुशरफ के ज़माने में टेक्नोक्रेट आए, क्या किया टेक्नोक्रेट ने सवाई तबाही के?
क्या क्या दिया, तो लाने वालों को ये बात समझ में नहीं आ रही आपके ख्याल में अभी तक? अगर कोई ला रहा है तो उसको इस बात को देखना चाहिए कि ये उनके बस की बात नहीं है। वैसे मुझे तो शायद अभी तक समझ नहीं आ रहा कि लाने की बात क्यों हो रही है, जब अदालतें काम कर रही हैं, जब नैब काम कर रहा है, जब एहतसाब हो रहा है, जब सब चीजें हो रही हैं, तो फिर ये टेक्नोक्रेट्स और ये इमरान ने हाइप क्रिएट की हुई है, इमरान खान साहब ने। जब भी ये इससे पूछो, इमरान या एक दो और लीडर है, वो कहते हैं अब थोड़े दिन है, बाकी थोड़े दिन है। थोड़े दिन कौन से, आइन में तो थोड़े दिन नहीं है, आइन में तो 5 साल की हुकूमत है, 5 ईयर है, बिल्कुल पहली जून तक है, तो बाकी थोड़े दिन कौन है, फिर कौन है उसके पीछे, कौन कहता है हमको? इमरान खान जो आज भी कहता है कि एम्पायर है उंगली उठाएगा, कौन है इसके लिए, चाहे वो हो न हो, मगर ये इशारा दे रहे हैं, ये लोग इशारा दे रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ी कोई ताकत है, इसलिए हमारे और उसका फायदा इन लोगों ने लिया है कि लोग उनके पास गए हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्लास तो है ना जी, अभी नेक्स्ट पे ये है क्योंकि इनके पीछे कोई बड़ी ताकत है, तब ये बातें कर रहे हैं, खुल के बातें कर रहे हैं, बगैर खौफ खराब से बातें कर रहे हैं, सबको गालियां दे रहे हैं, तो इसका मतलब इनके पास पीछे कोई है, चलो इस तरफ चलो। अब फिर लोग गए और फिर उनको जवाब भी दे दिया गया, अच्छे भले लोग गए पार्टियों से जिसका 20-20, 30-35 साल का रिलेशनशिप था, वो चले गए। आपका इशारा किसकी तरफ? नहीं, मैंने जनरली बात कर रहा हूँ, मैं तो वो क्यों गए, इसलिए गए कि पीपल्स पार्टी नहीं आएगी, अब हम क्या के लिए अपना टाइम वेस्ट करें, वरना उन लोगों को शिकायत, जितनी पीपल्स पार्टी के अंदर अपने MNAs, MPAs, अपने वर्कर के लिए रेस्पेक्ट है, मैं समझता हूँ किसी पार्टी में इतनी रेस्पेक्ट नहीं मिलती किसी को, बावजूद उसके छोड़ के चले जाने का मकसद है, तो उनको ये पता था कि पीपल्स पार्टी अब नहीं आएगी, पावर में नहीं आएगी, अब पावर में वो आएगा जिनके पीछे वो कहता है कि एम्पायर है, जिनके पीछे कोई कहता है 3 महीने 4 महीने जो बातें करते हैं वो हैं, तो इस वजह से वो भागे। कुछ लोग तो फिर आर्मी चीफ के पास भी गए ना कि हमारे लिए क्या हुक्म है, यानी उनको उनको भी पैगाम, आर्मी चीफ ने तो ओपनली ना कर दी कि हमारा क्या, आर्मी चीफ ने कहा कि भाई मैं तो जमहूरियत के साथ हूँ, मैं तो डेमोक्रेसी के साथ हूँ, बहरहाल तो उनकी बात ओपन है, बहरहाल तो वो क्लियर बात कर रहा है, अंदर से बैठ के लोग जो बातें करें आई डोंट नो। चौधरी निसार साहब ने भी कुछ हाल में स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको लगता है उन्होंने कुछ मशवरे भी दिए? उन्होंने कहा जी मैंने मियाँ साहब से कहा था तकरीर मत करें, मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट मत जाएं, मगर ये गए और ये सब कुछ हुआ, फिर उन्होंने कहा जाती मफाद और पार्टी का मफाद अलग अलग करना होगा, उनकी स्टेटमेंट्स और उनकी टाइमिंग हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। देखें चौधरी निसार इररिलेवेंट है इस वक्त पॉलिटिक्स से, रियली हाँ, उसका कोई इस वक्त मुस्लिम लीग नून में भी कोई रोल नहीं है सवाय उनकी तनकीद करने के। देखें मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूँ, मैं पार्टी में मेरे पास पोजीशन है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की, मेरे पास पार्टी में कोर कमेटी की पोजीशन है, जैसे हम सीनियर लोग हैं हमारे पास फोरम मौजूद है पार्टी से बात करने के लिए कि भाई यहाँ पे बात करनी चाहिए। आपने कभी नहीं देखी होगी कि हमारी मीटिंग हुई हो हम बाहर बैठ के कोई खुदा न खासा पार्टी की ये बातें exactly. कभी नहीं की होगी हमें अंदर बात करनी पड़ती है, अखलाकन भी कानूनन भी और पॉलिटिकल नॉर्म्स भी हम बताते हैं कि जब आपको फोरम है तो आप पार्टी के अंदर बात करें, जो पार्टी के बाहर बात करता है वो अपनी सियासत को आगे लाने की कोशिश करता है कि मैं तो इतना शेर हूँ, मेरी तो इतनी हैसियत है। और भाई तुम सीनियर मिनिस्टर रहे हो, तुम पार्टी में अहम ओहदे पे रहे हो, तुम पंजाब हाउस को आज भी इस्तेमाल कर रहे हो, पंजाब हाउस की वो जो क्या कहते हैं ड्योढ़ी पता नहीं क्या होती है पीछे, आज भी वहाँ कुर्सी लगा के बैठते हो, पंजाब हाउस में तुम समोसे और सैंडविचेस खाते हो, उसके स्नैक्स खाते हो, वहाँ सारा काम चलता है, रहते हो दरो और हुकूमत को बैठ के गालियाँ, इज्जतदार हो, तुम्हें बड़ी ताकत है, तुम बड़े सच्चे हो, छोड़ के चले जाओ भाई, मैं इस पार्टी में नहीं रहूँगा। हिदायत देना, डायरेक्टर बनना पार्टी का ये कोई शासक नहीं होती। ये अच्छा आपने जुमला बोला है डायरेक्टर क्योंकि डायरेक्शंस जो हैं वो फिल्म में होती है। हम गुफ्तगू करें जनाब खुर्शीद शाह साहब के साथ बहुत अहम मौजूदात के ऊपर। अभी तक हम ब्रेक के बाद ये पूछेंगे कि उनको सिस्टम के डीरेल होने का खतरा है या नहीं है किसी भी तरीके से, उसके आइनी ऑप्शंस और गैर आइनी तो वो होगा ही अगर कोई डीरेल होता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और साथ साथ क्या जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात का भी इम्कान है ब्रेक के बाद। हम बात करें कायद हिज्ब इख्तलाफ कौमी असम्बली सैयद खुर्शीद शाह साहब के साथ जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन लोगों में से हैं। शाह जी
ये जो क्विक मार्च की बात हो रही है, मार्च से पहले सेनेट इलेक्शन भी है और एक सिनेरियो सा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि अगर कुछ होना है तो मार्च से पहले पहले नवंबर के अंदर कुछ इस किस्म की बात हो रही है, आपको लगता है कोई क्विक मार्च की जो बात हो रही है ये दुरुस्त है? क्यों होगी क्विक मार्च, क्या रीज़न है? कौन सा मुल्क में हालात एमरजेंसी लग चुकी है? खुदा ना खास्ता, मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट चल रही है, अदलिया चल रही है, क्विक मार्च क्यों होगा? एहसन इकबाल साहब भी यही बात करते हैं और शेख रशीद साहब भी यही बात करते हैं, वो कहते हैं क्विक मार्च होगा, वो कह रहे हैं मार्च से पहले क्विक मार्च होगा। मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझता क्विक मार्च होगा। तो ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल जो सियासी, हाँ ऐसी पैदा की गई है, हमारे अदारे काम कर रहे हैं, प्रोग्राम काम कर रहे हैं सारे अदारे, और इस वक्त मुल्क में क्विक मार्च के मौसम भी नहीं है। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई मौसम है, लेकिन सेनेट इलेक्शन जो एम हो रहा है कि सेनेट इलेक्शन को डिसरप्ट किया जा सकता है, क्या फ़ायदा है? सेनेट इलेक्शन अगर होगी पीपल्स पार्टी के पास भी वही सीटें होंगी, मुस्लिम लीग के पास एक सीट या दो सीट बढ़ेगी, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। और इस बार में बारे में क्या है कि अगर हल्का बंदी नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर करता है कि रोक दिए जाए इलेक्शन जब तक कि हल्का बंदियाँ नहीं होती, वो गैर कानूनी होगा, गैर आइनी होगा, क्योंकि आइन के अंदर बड़ा क्लियर है जब सेंसिस हो जाए तो सेंसिस के बाद इमीडिएटली आपकी न्यू हल्का बंदियाँ होंगी, ब्लॉक्स बनते हैं, वोटर लिस्ट बनते हैं, ये तो आइन के अंदर है। आइन के मारवाए आइन तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती, क्यों करेगी? क्योंकि पहली जून को ये तहलील हो जाएंगी असेंबलियाँ, पहली जून को, अगर पहली जून के बजाय 30 मई को हो गई तो फिर 90 डेज के अंदर करवानी है, अगर पहली जून को किया तो 60 डेज के अंदर करवाई जाएंगी, और 60 डेज के अंदर करवाएंगे तो इलेक्शन अगस्त में होगा। ठीक, यही बात आज अगस्त के फर्स्ट एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि अगस्त, अगर अगर 3 महीने में करवानी है तो सितंबर के फर्स्ट वीक में या अगस्त के सेकंड वीक में, लास्ट वीक में होगा, ये शेड्यूल्ड है। मगर ये सेंसेस की जो प्रोविजनल ये एक बिल बन रहा है अप्रूवल के लिए असेंबली में आएगी, तो असेंबली वहाँ करेगी कि प्रोविजनल देके वो फिर क्या करते हैं हम, यानी कि आप एक जो अमेंडमेंट लाएंगे अभी जिसके लिए आज आपकी मीटिंग भी थी, उसके अंदर ये तय किया जाएगा कि नई हल्का बंदियाँ जो हैं वो इस नौइयत की होगी, प्रोविजनल दी जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजनल ये पर अपना अप्रूवल हो ही नहीं सकती, है ही नहीं। ठीक, तो इसके लिए एक अमेंडमेंट आएगी 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और उसके बाद वो सेनेट में जाएगी, अगर अप्रूव हो गई वो तो फिर तो इलेक्शन, अभी उनको परमिशन मिल जाएगी, 5 महीने के अंदर वो डिलिमिटेशन सारा सेट कर देंगे, वो 5 महीने मांग रही है इलेक्शन कमीशन। तो अगर आज अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक 5 महीने पूरे हो जाएंगे, और जुलाई में हो जाएंगे, सारा सिस्टम कंटिन्यू कर जाएगा, मगर ये कानून के आइन के अंदर है ही नहीं प्रोविजन, इसलिए आइन के अंदर अमेंडमेंट लानी पड़ रही है। तो ये खान साहब, और मगर ये भी अगर दी गई तो, ये अभी मैं नहीं कहता, डिसीशन नहीं हुआ है हमारा, अगर दी गई तो उसमें एक सेक्शन लगाया जाएगा, सब सेक्शन लगाया जाएगा कि ये वन टाइम होगी, हमेशा के लिए नहीं होगी। ठीक, उसकी एक टाइम मुद्दत एक रख दी जाएगी कि इतने साल या इतने नहीं, बस ये टाइम जो होगा तो होगा, उसके बाद फिर जो प्रॉपर जो अगली मर्तबा को सेंसस होगी, अगली मर्तबा होगी उसमें ये चीज नहीं होगी, वो टाइम पे करना पड़ेगा। ये उसके अंदर आज जो आपकी मीटिंग हुई उसमें पीटीआई भी मौजूद थी, लेकिन खान साहब ने फिर ट्वीट किया कि अगर जो डिले के बात की जा रही है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से, तो उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसलिए आ रही है कि टाइम पे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसलिए, खान ने पढ़ा नहीं होगा, खान को किसी ने कान में बता दिया होगा, खान को पढ़ने के बजाय कान में बता दो खान को, वो बात बड़ी जल्दी असर कर जाती है, तो किसी ने बता दिया होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसलिए की जाती है कि इलेक्शन कमीशन को ये दिया जाए कि आप 5 महीने में अपना प्रोसेस शुरू कर दो, ये तो आप टाइम पे कराने के लिए असल में कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट आया है इसको प्रोविजनल एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप इस पे शुरू कर दो, तो ये तो असल में आप टाइम पे कराने के लिए कर रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पे हो। अब एक और सवाल जो बहुत पूछा जाता है, आपको लगता है इलेक्शन वक्त पे होंगे? मौलाना कहते नहीं, नजर आते कि देखें मैंने
आपसे ये कहा कि ये सबकी कोशिश है कि इलेक्शन हो, टाइम पे हो, ना पहले हो ना बाद में हो. बाद में तो हो नहीं सकती, बाद में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता. बाद में हुई तो मारवाए आइन होगी, आइन को जब पस पर्दा रखा जाएगा तब बाद में होगी. इसलिए इसका सिस्टम यही है कि टाइम पे हो. ठीक, हम सब ये चाहते हैं कि टाइम पे हो. आपको मैं तो चीखता आप चाहते हैं ना सर, तो चाहने से क्या हो? इस मुल्क में बहुत सी चीजें ना चाहने और चाहने के हमारे हम तो चाह ही सकते हैं ना. मैं तो पहले भी वाहिद पॉलिटिशियन हूँ पाकिस्तान का, इसलिए रोना रो रहा था कि वो हमारे यहाँ सिंधी में कहावत है कि जो बोरे होते हैं ना सिले जाते हैं, जिसमें वजन डाला जाता है, तो ऊंट रो रहे थे. तो ऊंटों से पूछा कि तू क्यों रो रहे, सिल तो बोरे रहे हैं. कहना ये बोरे मेरे ऊपर आएंगे, ये वजन भी मेरे ऊपर आएगा, मैं इसलिए रो रहा हूँ. तो मुझे वो पता था कि मैं कह रहा था कि 4 साल का पीरियड करो, 4 साल का पीरियड करो. हम में अभी ये आदत नहीं पड़ी. इंतखाबी इस्लाहात में भी पांच नहीं हो सका तो नहीं माना. शाह जी, हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं. नाज़रीन, ब्रेक के फौरन बाद ये पूछना है कि अगला जो पेश मंजर है पॉलिटिकल सियासी वो क्या हो सकता है, और इसके बाद इसके अलावा जो जहांगीर तरीन साहब और खान साहब के खिलाफ भी नाइली की बात हो रही है, और उसके साथ साथ मार्च वो टाइम है जिसमें मियाँ साहब के खिलाफ वर्डिक्ट या जो कन्विक्शन है वो भी मुतवक्के हो सकती है. छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सैयद खुर्शीद शाह साहब से, जो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो कि हो रही है हलका बंदियों के हवाले से, सेंसस के हवाले से, यानी उसके बाद की सूरत हाल में. शाह जी, एक तो ये कोई आपने कहा कि आपको नहीं लगता कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे होने चाहिए और इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए. सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं, ख़ास करके इस पूरे नैब के जो सूरत हाल बनी हुई इसके अंदर, आपको लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, एक पेज पे सब आ गए हैं, कोई मसला नहीं? सच बोलूं या सर आप हमेशा सच गड़ बोलूं? नहीं, आप हमेशा सच बोलते हैं. मैं सियासत का लफ्ज इस्तेमाल इसलिए नहीं करता कि सियासत का नाम ही सच है. कुछ लोगों ने उसको डिफेम किया हुआ है, इसलिए मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता. ज़ाहिरन नज़र नहीं आते हुकूमत के और उसके लीडरशिप के तालुकात सच ही है, मगर हमारे होने चाहिए. हमें मिलके मुल्क चलाना चाहिए. जो अस्करी लीडरशिप का रोल है वो उनको पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, अदा करना चाहिए. जो सियासतदान का रोल है वो सियासतदान को करना चाहिए. आपको कमी कहाँ लग रही है, किसके रोल में कमी है और किसके रोल में ज्यादती है? कुछ चीज़ें गलतियाँ होती हैं और फिर उसको भुगतना पड़ता है. अब मैं ऐसे फोरम पे बैठा हूँ कि मैं किसी को अक्यूज़ कर दूँ, एक नया सवाल उठवा दूँ, एक फिर उल्टा और नया इशू डेवलप होता. क्योंकि मैं खुर्शीद शाह सिर्फ होता तो मैं बोल भी देता, पर मेरे ऊपर एक पोजीशन है लीडर ऑफ अपोजिशन की, इसलिए सिर्फ इतना ही कहना मेरा काफ़ी है कि हमें एक पिच पे रह के अदारे का काम, जो जुडिशरी का काम है वो कर ले, जो हमारी फौज का काम है वो कर ले, जो मुकरना का काम है वो कर ले, जो हम सब का काम है, सियासतदानों का काम है, हम कर ले. इस मुल्क को मिलके चलाना पड़ेगा. अच्छा जी, यही बात तो मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ कहीं कहीं बड़ी बड़ी गलतियां भी कर जाते हैं. आखिरी गलती उन्होंने क्या की है जिसका नतीजा ये निकल? ये जो गालम गलोच हुई, बड़ा स्मूथ चल रहे थे. मियाँ साहब ने आखिरी गलती ये की कि पार्लियामेंट से उठ के वो उधर चले गए. आपको इस चीज़ का इल्म है कि हमने बड़ी मेहनत की, एक रोल प्ले किया अपोजिशन ने, सारी अपोजिशन को जमा किया एक जगह पे, गवर्नमेंट को बताया कि हम जमा हो गए, आओ मिल के बैठ के हम ये टीवार्स बनाएं, और एक तरफ लेके चले, और वो डर गए, भाग गए और ख़ुद अदलिया का रुख कर दिया. अब मैंने 2-3 मरतबा कहा है कि पार्लियामेंट खुद एक बहुत बड़ी ताकत है, जहाँ से हम डिवाइड करते हैं अपने पावर्स, शेयर करते हैं, देते हैं, उसको जुडिशरी के हाथ में दे दिया. मैंने
काफी बड़ा अपनी जी, मुझे मुझे याद है शाहजी आपने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये पार्लियामेंट के अंदर ये रहने दें दे। और हम जैसे लोग भी ये बात कर रहे थे कि पार्लियामानी कमीशन जो काम कर सकता है और वो बड़ी ताकतवर तरीके से करती है। और मैं आज भी ये कहता हूँ, आज भी कहता हूँ चलो सब भूल जाओ, पार्लियामेंट कमीशन बनाओ, पार्लियामेंटेरियन अच्छा कोर्ट से आर्ग्यूमेंट से जजेस वकीलों के आर्ग्यूमेंट से बड़े बड़े डिफरेंसेस से छूट जाते हैं। पार्लियामेंटेरियन कमीशन बनेगी ना कोई नहीं बच सकेगा। बहुत तो सीधे सवाल होते हैं ना जी, ए बी सी भाई ये बताओ ये चीज हुई है तो बताओ, और पार्लियामेंट की तौकीर भी मिलती ना, तौकीर भी मिलती, तुमने कहां से लाए पैसे, ये माल बनाया है 50 करोड़ का, तुमने ये बनाया है, टैक्स तो तुमने दी नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, टैक्स दे नहीं रहे हो, पैसा कहां से आ रहा है, कौन सा तेरे पास अलादीन का कोर्ट में तो आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, सबूत लाते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, वकील कभी ये साइड के ले आता है, कभी वो लाता है, लंबा होता है। आपका ख्याल है कि मियां साहब ट्रैप हुए होंगे अपोजिशन के हाथों या किसी के हाथों? अपोजिशन ने तो ऑफर किया, अपोजिशन के हाथों कैसे ट्रैप हुए, अपोजिशन ने तो रास्ता दिया उसको, अपने लोगों ने उसको ये समझाया कि यहाँ नहीं, क्योंकि मियां साहब अपना दिमाग इस्तेमाल कम करते हैं। चौधरी निसार भी आज यही बात कर रहे हैं जो आपने कही है, इसका मतलब है कि चौधरी निसार उस वक्त ये बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के साथ, क्यों नहीं बोला, वो बोल तो अब रहे हैं वो क्यों, उस वक्त क्यों नहीं बोला, बोल लेते एक बार दबा बोल लेता हमें और ताकत मिल जाती अपोजिशन को, सीधे मिनिस्टर था कि जी बिल्कुल सही है, एक बार दबा बोल देता वही काम होता, उस वक्त इतनी इसकी सेह थी, इंटीरियर मिनिस्टर था, हर बात शेर था, हर जगह पे कहते थे मैं करता हूँ मैं करता हूँ। तालिबान से बात करने वाले इशू पे हुकूमत को मना लिया ना, अस्करी लीडरशिप को मनवा लिया ना कि हमें 2 महीने टाइम दो, हम बात करते हैं, डायलॉग करते हैं, डायलॉग के लिए गए भी ना, इससे रुकवाया ना, इतनी ताकत तो थी कि तालिबान से डायलॉग करने के लिए पार्लियामेंट को रुकवा दिया, तो अब क्यों नहीं बोल रहे थे, ये तो मगरमच्छ के आंसू है जी। अब जैसे आप पेश मंजर को बहुत साफ आपको नजर आ रहा होगा कि क्या होने जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि मार्च वो टाइम होगा जबकि जो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है 6 महीनों की डेडलाइन खत्म हो रही होगी, मियां साहब के खिलाफ उस वक्त फैसला भी आएगा, मार्च में सेनेट इलेक्शंस भी होंगे, निगरान हुकूमत भी फरवरी में हो जाएगा, सारा ये सब कुछ फरवरी में हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने तो 6 महीने फरवरी में हो जाएंगे, मार्च में सेनेट इलेक्शन आ गया और अप्रैल में आप कह रहे हैं कि फॉर्मेशन होगी, उसके बाद फॉर्मेशन होगी निगरान सेटअप के लिए, तो ये तो बड़ा आइडियल टाइम है मियां साहब के लिए, अगर वो जेल चले जाते हैं तो उनको तो फिर कामयाबी मिल सकती है बहुत ज़्यादा, क्यों नहीं मिल सकती, जेल जाने की हिम्मत तो भाग लेना क्या, जेल तो बड़ा अच्छा होगा, अपनी हुकूमत है उसकी क्या, घर का घर वाला माहौल होगा और फिर मियां साहब की तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत तो पहले भी उसकी ठीक नहीं है, एक्चुअली अस्पताल उसको मिल जाएगा क्या, हमने तो बड़े बड़े जेल देखे, हमने तो कोड़े भी खाए हर चीज की, फिर क्या है, तो ये शासन को जेल से नहीं घबराना चाहिए, इमरान खान को अगर जेल की बात करो वो घबरा जाए तो बात समझ में आती है, उनको आप सियासतदान नहीं मानते, नहीं वो खुद कहता है कि मुझे अगर एक दिन भी जेल में रखा जाए तो मैं मर जाऊंगा, और वो खैर वो तो पार्लियामेंट को भी कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर डाकू बैठे हैं, जब इतनी बड़ी करप्शन तो, निकल रही है तो फिर तो खान साहब को भी लोग यकीन नहीं करेंगे ना, एक मरतबा हमारी मीटिंग में निसार बैठा हुआ था उसके सामने कह दिया, और मैंने शाह महमूद को बुलाया और खुदा को मानो निसार के सामने तो ये कहो कि 1 साल भी जेल में पड़े रहेंगे, 100 साल भी पड़े रहेंगे, फिक्र की बात नहीं है, वो कहता है एक दिन जला तो जेल में मर जाऊंगा, मैंने खुदा को मानो अपोजिशन में। शाह जी तो फिर इस तरह तो मतलब ये हुआ कि आपको लगता है कि हल्का बंदियाँ आप कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, इलेक्शन वक्त पे हो जाएगा, उसका उसको ना करने का कोई इम्कान आपके नज़दीक मौजूद है? मैं नहीं समझता, होगा इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, फिर मौलाना ये बात क्यों कर रहे हैं कि उनको इंतखाबात नजर नहीं आ रहे, हर आदमी का अपना, हर आदमी का अपना अपना विजन है, अपने अपने पीएमएलएन भी यही बात कर रही है, मैं नहीं कर सकता, मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, और सांसदान को हमेशा उम्मीद के साथ रहना चाहिए, और ये जो इकॉनमी की बात हो रही है कि इकॉनमी के बुरे हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कह रहे हैं बहुत अच्छी आ रही है, मेरी बात को आप खुद सेकंड कर रही है, इस इकोनॉमी को कौन लेगा आके, इलेक्शन के थ्रू कोई और पार्टी आ जाए ले सकती है थ्रू प्रोसेस, बीच में आके डंडा मार के लेके मरना है उनको इस इकोनॉमी, तो सर पिछली सारी हुकूमतें इसी चीज के ऊपर तो जाती रही हैं कि मईशत खराब है,
नहीं इतनी खराब नहीं थी जितनी आज है। तो फिर तो ये रीजन एक सॉलिड रीजन हो सकता है किसी भी गैर आईनी के। साल आपको $4 बिलियन देना है, कर्जा आपका 21 ट्रिलियन पे पहुंच चुका है, 21 अरब 14 अरब डॉलर आपका बिलियन डॉलर था, 21 अरब बिलियन डॉलर पे चले गए, 21 ट्रिलियन आपका। तो आपके ख्याल में ये इनफ रीजन नहीं है अगर कोई तीसरा कदम और तीसरी पार्टी आती है? 8 मरतबा तीसरी पार्टी, दूसरी तीसरी पार्टी सोचेगी कि इन हालात में लेके किस तरीके से ठीक करेंगे, क्योंकि ना अमेरिका इस पे आपको सपोर्ट करने आ जाएगा, ना IMF आ जाएगा, ना वर्ल्ड बैंक आएगा इन हालात में। चाइना आपको पैसे नहीं देगी, चाइना तो आपको डेवलपमेंट साइड पर पैसा दे रही है। आखिरी 2 मिनट रह गए शाह जी, जो रीजनल सूरत हाल बनी है, आज भी काबुल में एक बहुत ही खौफनाक धमाका हुआ है, ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, ये क्या इंडिया कहाँ फंस चुका है? इंडिया फुल अपने मोशन में है कि वो अफगानिस्तान में अपने पांव फुल जमा ले, पाकिस्तान को फॉर एवर बाहर निकाल दे। इन्वेस्टमेंट इंडिया करने जा रही है, ईरान इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, ईरान इंडिया का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लिंकअप हो रहा है, नो बाहर पे हर चीज़ हो रही है, और पाकिस्तान सिंगल आउट हो रहा है, अमेरिका दूर खड़ा हुआ है, हमारे साथ सिर्फ चाइना खड़ा है, वो भी डेवलपमेंट के ओनली डेवलपमेंट शेयर कर रहा है। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट में हम नहीं है, इंडस्ट्रीज हमारी नहीं लग रही है, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हमारी नीचे आ गई है, इन्वेस्टमेंट हमारी बिल्कुल डाउन जीरो हो गई है, जॉब प्रॉब्लम है, इनसिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ रही है, सही, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, जो रेमिटेंस आ रहा है वो कम हो गया है तकरीबन 20-22%, 2013-14 में जो था उससे 20-25% कम हो गया है, एक्सपोर्ट हमारी कम हो गई है, इम्पोर्ट 52 पे रिकॉर्ड पे पहुंच गई है। तो इन सारे हालात में आप किस बात पे आएंगे और आप बेल मुझे मार? तो शाह जी, अगर बैरूनी खतरात पाकिस्तान के खिलाफ इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, अंदरूनी तौर पर इकॉनमी हमारी ख़त्म हो गई है, मेरा एक सादा सा सवाल है, तो फिर तो वो आएंगे ना जो कह रहे हैं आपको कि आप गलत कर रहे हैं और आपसे ठीक नहीं हो रहा, हम ठीक कर लेंगे चीज़ों को। नहीं, पहले माजी में भी उन लोगों ने ठीक नहीं किया, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट बांग्लादेश कैसे बना, 5,000 मुरबा मील ज़मीन कब गई, कारगिल का मसला कब हुआ, किस दौर में हुआ, सिविलियन के दौर में तो नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें हैं, सबको देखना पड़ेगा, सबको सोच। ये पाकिस्तान सिर्फ तेरा मेरा नहीं है, चाहे वो फौज में हो, चाहे अदलिया में हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे झोंपड़ी में रहने वाला हो, पहाड़ पे रहने वाला हो, रेगिस्तान में रहने वाला हो, सबका पाकिस्तान है, हम सबको सोचना है, हम सबको मिलकर सोचना है। तो कैसे सर, वो तो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज आप, हम क्या मैसेज आप पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से भी दिया हुआ है, आपको याद है कि मैंने 2014 में दिया था, हिस्टोरिक मेरी बात थी, आज भी दे रहा हूँ, हमेशा देता हूँ, यही भाषण देता हूँ, यही कहता हूँ कि हमारे हालात ठीक नहीं है। हिंदुस्तान हर वक्त कोशिश कर रहा है कि किस न किस तरीके से पाकिस्तान को हिट करूं और पाकिस्तान आगे बढ़े। तो इसको मजबूत करने के लिए जरदारी साहब भी मुलाकात कर सकते हैं मियां साहब के साथ या नहीं? इस वक्त नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी है, मियां साहब ने खुद जरदारी साहब को धक्का दिया, सीने पर हाथ रख के कहा नहीं मेरे पास मत आओ, जबकि जरदारी साहब बुरे वक्त में गाड़ी चला के इनके घर चले गए थे, तुम वज़ीर आज़म हो मेरे, उस शख्स को हाथ रख दिया कि नहीं तुम्हें नहीं आना मेरे घर पे, ये हमारे पाकिस्तान के कल्चर में, देसी कल्चर में नहीं है। तो इस ज़ख़म को भरने के लिए टाइम चाहिए, और बुरे वक्त में आदमी जब मदद मांगता है जिसने धक्का दिया वो उसको नहीं मिलता। तो अब नहीं, लेकिन कुछ अरसे में मुलाकात हो सकती है, आगे चल के देखे पाकिस्तान किस सूरत हाल से पहुँचता है, मगर हम सबको ये दर्द दुख भूल के पाकिस्तान के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, चाहे वो अस्करी की लीडरशिप हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे टेक्नोक्रेट हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, हम सबको बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने गुफ्तगू सुनी है, हमेशा की तरह खुर्शीद शाह साहब पॉजिटिव हैं सियासत के बारे में भी और पाकिस्तान के बारे में भी, लेकिन कुछ परेशानियां भी हैं जो कि उन्होंने जिक्र किया है गुफ्तगू में, देखते हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में किस तरह से होता है। एज लीडर ऑफ द अपोजिशन वो कॉन्फिडेंट हैं कि ओवरकम हो जाएंगे, लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं कि नहीं कम, ये आप फैसला कीजिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।